हे एवरीबडी, माय नेम इज मनीषा एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ वियर्ड फैक्ट्स बताने वाली हूँ फिंगर नेल्स के बारे में। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब जो नेल्स हैं, जो बड़े नेल्स होते हैं, वो सिर्फ उनको पेंट करने के लिए या फिर नेल बाइट करने के लिए ही नहीं होते, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत सारे वियर्ड फैक्ट्स हैं जो शायद आपने नहीं भी सुने होंगे और मे भी कभी सुने भी हों। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो फिंगर नेल्स हैं उनके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे फुट होते हैं, पैरों के जो नेल्स होते हैं वो हाथों के कंपैरिजन में स्लो होते हैं, ठीक है, ग्रो करने में। तो यू कैन से कि जो फिंगर नेल्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू फुट नेल। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, जो फिंगर नेल्स है ना वो स्वेट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो फिंगर नेल्स होते हैं, हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं, उनमें स्वेटिंग नहीं होती। ऊपर से ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा अगर आप जो फिंगर नेल्स हैं इनको अगर आप कोको कोला में रख देते हैं 4 to 5 days के लिए, तो ये डिसअपियर हो जाएंगे। ये में भी आपने टीथ में भी ये केस सुना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, उसमें आप देखिए थंबनेल जो है ना वो स्लो, जो हमारा अंगूठे का जो नेल होता है वो बाकी फिंगर्स के कंपेरिजन में स्लो ग्रो करता है। सेम जो मिडल फिंगर होती है उसका जो नेल है वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है एज कम्पेयर टू अदर फिंगर्स, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में क्या है, जो हमारे हेयर्स जिस मटेरियल के, जिस हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, उसी से जो हमारे नेल्स है वो बने हुए होते हैं, और वो मटेरियल का नाम है केराटिन, ठीक है। केराटिन ट्रीटमेंट हेयर में आपने सुना होगा। तो उसी मटेरियल से हमारे जो थंबनेल हैं या फिर फिंगर नेल्स हैं, जितने जो भी नेल्स हैं वो आपके इसी केराटिन मटेरियल के बने हुए होते हैं। केराटिन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि डेड सेल से मिलके बना होता है। अब ये जो डेड सेल से मिलके बना है, तो इसी वजह से जब आप अपने फिंगर्स के नेल या टो नेल या फिर पैरों के नेल, मतलब आप अपने नेल्स को जब कट करते हैं या फिर हम अपने हेयर्स को जब कट करते हैं, तो हमें पेन नहीं होता, क्योंकि वो डेड सेल से मिलके बना होता है। ये अगर ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में इस मटेरियल को केराटिन कहते हैं, ठीक है। नेल्स और जो हमारे हेयर्स हैं उसके अलावा बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, बर्ड्स के जो पंख होते हैं, वो भी इसी मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो ये पॉइंट इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जिन लोगों को नेल बाइट करने की हैबिट होती है, मतलब कि स्ट्रेस है या किसी चीज की टेंशन में है, तो उस टाइम पे ना वो अपने नेल्स बाइट करने लग जाता है, जो कि बहुत बुरी हैबिट है, क्योंकि नेल्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट जाते हैं। सो ये हमारा टॉपिक नहीं है। नाउ जो नेल बाइटिंग करते हैं उनको ऑनिकोफेजिया कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई श्योर नहीं हूँ। इसके अलावा ये जो नेल्स हैं समर्स में ग्रो ज्यादा फास्ट करते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और वियर्ड फैक्ट्स थे फिंगर नेल्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।